दीवाना स्वीट्स की आग में चार लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लखनऊ में करीब 5,000 बिल्डिंग की पहचान की गई है। जी आपको बता दें, जहां फायर फाइटिंग सिस्टम ना के बराबर है, इमारतें ऐसी जगह हैं जहां आग लगने पर दमकल की गाड़ियां तक नहीं जा सकती। इसके बाद भी लोग फायर NOC नहीं ले रहे। शुक्रवार से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक्शन शुरू कर दिया है। सबसे पहले चारबाग में बने होटल HSJ को सील कर दिया गया। होटल HSJ में साल 2008 में आग लगी थी। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि होटल पिछले 4 साल से चल नहीं रहा था। आवासीय जमीन पर कॉमर्शियल निर्माण की वजह से होटल को सील किया गया है। शहर में अपार्टमेंट, होटल, कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल के साथ सरकारी भवनों तक में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। ज़्यादातर के पास NOC नहीं है। इसका ही नतीजा है कि लखनऊ में जनवरी से अगस्त 2022 तक 1569 आग की घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि विभाग के पास शहर की इमारत और NOC को लेकर कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं है। फायर विभाग ने शहर में चल रही 650 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा है जहां फायर की इमारत पूरे नहीं है। CFO विजय कुमार सिंह के मुताबिक फायर सेफ्टी के मानक पूरे नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, गोमती नगर के सेवी ग्रैंड होटल आग लगने के कुछ ही दिन बाद खुल गया। शहर में पिछले दिनों गोमती नगर में सेवी ग्रैंड होटल में बड़ी आग लगी थी, लेकिन वह दोबारा चलने लगा। इसी तरह चारबाग का विश्वनाथ होटल हो या हजरतगंज का एलोरा, वह भी आग की घटना के बाद से चालू है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद LTA ने बिना नक्शे और मानक के बिना करीब 300 होटल को सील करने की बात कही है, जिसके जल्द ही नोटिस जारी होगी। सूत्रों के मुताबिक पहले छोटे होटलों को सील करने की बात चल रही है, मगर मुख्यमंत्री का रद्द से सख्ती होने पर बड़े होटल पर पहले कार्रवाई होने जा रही है। इसका ही नतीजा है कि 150 होटल की लिस्ट को 300 कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।